أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد आज इंशाअल्लाह ताला आखिरी दर्स होगा और उसके बाद चूँकि इम्तिहान भी इसका लेना होता है आपको पता है तो अगले जुमे को इसका इम्तिहान होगा और मैं इंशाअल्लाह ताला आज इम्तिहान की बात वाली क्लास में तैयारी भी करा दूँगा। तो ये आया मशहूर मारूफ आया हैं, जितना पढ़ सकते हैं आप कुरान की तिलावत फरमाएं। सर आपके माइक का भी लगा? हाँ लगा हुआ। फ़ख्र उमा तयसर मिनल कुरान, जितना हो सकता है आप कुरान की तिलावत किया करें। ये याद रखिए, रोज़ क़यामत परवरदिगार आलम इंसान को दर्जा कुरान की तिलावत के हिसाब से देगा। पहले भी आपके खिदमत में बयान हुआ है कि बिला शक व शुबहा जन्नत में हर कोई नहीं जा सकता है, जन्नत में नूर ही जाता है। नूरी बनने के लिए शर्त असासी ये हैं कि इंसान को कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहना चाहिए। जब तक मुतमस्सिक नहीं रहता है तब तक इंसान नूरानी नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान कुरान पे तवज्जो न दें, बिला शक व शुबहा आलम बरज़ख में इस बशर को पढ़ाया जाएगा। आलम बरज़ख का नाम आलम तकमीलुल आमाल भी कहा जाता है। इंसान गुनाहगार हैं, वहाँ औलाद साले है यहाँ से कोई भेजता है तो अगर गुनाहगार हैं गुनाह अजाब में तख़फीफ होता है, अगर मोमिन हैं तो दर्जे में इजाफा हो जाता है। बस जन्नत के दर्जे मकाम जो इंसान को मिलता है दुनिया में जिस कदर उसका आलम मोहम्मद से अकीदा है ना, उसी हिसाब से उसको दर्जा दिया जाएगा। जितनी उसने इत्तेबा करी है, इताअत करी है आलम मोहम्मद की, कुरान से इश्क व अलाका व मोहब्बत इसने रखा है, उसी हिसाब से रोज़ क़यामत उसे दर्जा दिया जाएगा। क़ारी कुरान को कहा जाएगा, एक क़ारी कुरान कुरान की एक आयत की तिलावत करें और आगे बढ़ें। तिलावत करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, दर्जा मिलता जाएगा। इसी तरह से आलम मोहम्मद की मोहब्बत की भी यही हाल है। जितनी दुनिया में मोहब्बत थी इसी तरह से इसी अंदाज़ में रोज़ क़यामत मोहब्बत के हिसाब से इस बशर को इस इंसान को दर्जा दिया जाएगा। ये आप जहन में रखें, ये खुदा का लुत्फ करम है परवरदिगार आलम का। किसी न किसी तरह से परवरदिगार आलम ने हमें तौफीक दिया है कि हफ्ते में दो दिन सही एक दिन सही कुरान से वाबस्ता है। आखिरी जो दर्स है इंशाअल्लाह ताला चंद दक़ाइक में, दर्स ये है कि वो हुरूफ जो लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते हैं, वो कुल कितने हुरूफ हैं? सात हुरूफ हैं। बस वो हुरूफ जो लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते हैं कितने हुरूफ हैं? सात हैं। पहला हर्फ अगर हुरूफ मद्दी, हुरूफ मद्दी कितने हैं? अलिफ वाव या, जो बड़ी हरकात भी कहलाते हैं, ये हुरूफ मद्दी कुर्सी करार पाए हमजे के लिए तो वहाँ पर क्या होगा? ये हुरूफ मद्दी तलफ़ नहीं होंगे। जब तक सर दोबारा बताएं, मैं अभी इंशाअल्लाह आपको समझाता हूँ। देखिए इंशाअल्लाह चल जाएगा। वो हुरूफ जो
लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते जाते पहला हर्फ देखिए, अगर हुरूफ़ मदी हुरूफ़ मदी कितने हैं, अलिब वाव या, ये हुरूफ़ मदी हैं, हमज़ा ये हमज़ा है, हमज़ा के लिए कुर्सी करार पाए हैं। देखिए कुर्सी का माना क्या है, कुर्सी का माना ये है कि ये हुरूफ मद्दी हैं, उसके ऊपर हुरूफ मद्दी के ऊपर डायरेक्ट हमज़े लिखा हुआ हो। देखिए मिसाल, उसके लिए मिसालें देखिए आप, मसलन सा आ ला, देखिए सा आला अलिफ है या नहीं है, अलिफ के ऊपर हमज़े लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, हमज़े पढ़ा जाएगा। एक दूसरा उसके लिए मसलन मोमिनून, एक मोमिनून है, मोमिनून नहीं है, मोमिनून हमज़े के साथ, देखिए मोमिनून हमज़े के साथ, वाव के लिए मिसाल है ना, या के लिए मिसाल मसलन देखिए यूब, देखें यूब डी ऊ, देखें यूब डी ऊ, देखें या के ऊपर हमज़े है या नहीं है, अब वाज़ह हो गया। बस अगर ये हुरूफ हमज़े के लिए कुर्सी करार पाए, पाया करार पाए, यानी इन हुरूफ के ऊपर हमज़े लिखा हुआ हो जहाँ कहीं भी, तो ये हुरूफ तलफ़ुस नहीं होंगे, नहीं पढ़े जाएंगे, हमज़े पढ़ा जाएगा। सब के लिए मिसाल, हमज़े अलिफ के लिए साला हैं, वाव के लिए मुमिनून हैं, या के लिए युबदी उ है, ये वाज़े हो गया। एक दूसरा मकाम, अभी नहीं हम हमज़े की बात नहीं, अलिफ की बात, अलिफ वाव और या के लिए क्या करार पाए हैं, कुर्सी करार पाए। यहाँ पर क्या बात थी, हमज़े के लिए तीन हुरूफ कुर्सी करार पाए थे, अब ये नहीं है, क्या है, खुद अलिफ वाव और या के लिए कुर्सी करार पाए, ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, अल या है उसके ऊपर अलिब लिखा हुआ हो, या वाव है उसके ऊपर अलिब लिखा हुआ हो, तो उस वक़्त क्या है, ये या और वाव ये दोनों क्या कहते हैं तलफ़ुस नहीं होंगे, अलिब पढ़ा जाएगा। ये वाज़ह हुआ। मसलन उसके लिए मिसाल देखें, खुद मूसा हज़रत मूसा, मूसा देखिए मूसा या है या नहीं है, या के ऊपर अलिब लिखा हुआ, ईसा या है नहीं है, या के ऊपर अलिब लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, अलिब पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया, देखें उसके बाद मूसा ईसा हैं, मूसा और सलात, वाव के लिए देखें सलात, वाव के ऊपर क्या लिखा हुआ अलिफ, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ पढ़ा जाएगा, सलावात नहीं पढ़ा जाएगा, सलात पढ़ा जाएगा। देखिए ये दो अल्फाज हैं, एक अलिफ का आगे पीछे करने में कितना फ़र्क होता है, देखिए इसी को ही अगर आप इस तरह लिखें, मसलन सलात, देखिए वाव के बाद अगर अलिफ लिखा जाए तलफ़ुज़ क्या होगा, सलावात, क्या पढ़ेंगे आप, सलावात, अगर यही अलिफ वाव के बाद लिखा जाए तो ये पढ़ा जाएगा सलावात, यही अलिफ वाव के ऊपर लिखा जाए सलात। वाज़ह हुआ नहीं हुआ, बस ये दो मिसालें, अलिफ वाव और या के लिए कुर्सी करार पाए, वहाँ पर या और वाव तलफ़ुज़ नहीं होंगे, अलिफ पढ़ा जाएगा,
मिसाल उसके लिए मूसा या के लिए, सलात वाव के लिए, ये दो ख़त्म। तीसरा मोरिज छः जगहों में वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। देखें छः जगहों में, ये छः है, ये छः है, छः जगहों में वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ये छः कौन से अल्फाज हैं, जगह अल्फाज कौन से हैं, छः अल्फाज। सबसे पहला कौन सा है देखें, देखें उलाइका क्या लिखा हुआ, उलाइका लिखा हुआ, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, वाव के साथ लिखा हुआ। आप देखें कुरान में पहला पेज है, उसमें पेज में देखें उलाइका अलिफ लाम के बाद दूसरे सफ़े में उलाइका लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाव के साथ, उलाइका पढ़ा जाता है, उलाइका वाव नहीं पढ़ा जाता है। एक दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है उलू, उलू उलू लिखा हुआ है जबकि पढ़ा जाता है क्या, उलू। तीसरा शाबाश उली, लिखा हुआ है उली पढ़ा जाता है उली। ये तीन नजर आ रहे हैं, अच्छा इधर लिखता हूँ, अच्छा उलू उली उलाई उला उलाई, ठीक है उलाई लिखा हुआ है उलाई पढ़ा जाता है उलाई। पांचवा कौन सा है, उ लाती उ लाती, देखें लिखा हुआ है उलाती पढ़ा जाता है उलाती। आखिरी लफ्ज कौन सा है, सऊरीकुम छठा सा देखिए सऊरीकुम लिखा हुआ है जबकि पढ़ा जाता है क्या, सऊरीकुम सऊरीकुम उरीकुम, ये वाव नहीं पढ़ा जाता है। ये पांच छह अल्फाज हैं, वो अल्फाज हैं जहां पर वाव लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये आप जहन में रखिए, याद करें, मसलन इम्तिहानी सवाल वो हुरूफ जो लिखे जाते हैं पढ़े नहीं जाते हैं, तहरीर फरमाए उनमें से ये तीन, उसके बाद वो अल्फाज कितने हैं जहां वाव लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता, वो अल्फाज कितने हैं, छः हैं, उलाइका उलू उली उलाई उलाती सऊरीकुम। ये देखिए ये तीन आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अब उसके बाद चार और हैं मिटाने, मिटाऊ ये, ये भी देखिए जहन में रखे तीन, आएगा इंशाल्लाह। तीन मवारिद तो हो गए ना, चौथा मवारिद मसलन अलिफ जमा के सेगों में इंशाल्लाह ताला अदबियात में आएंगे तो एक सेगे जमा में आखिर में एक अलिफ लिखा जाता है, यानी सेगे जमा और गैर जमा में इम्तियाज़ और तफरीक के लिए। मसलन देखें काला से कालू है, कालू में देखें बाद में ये अलिफ लिखा जाता है कालू। मसलन उसके लिए एक और जारा बू,
देखें दरबू में ये जमा का सेगा है, इसके आखिर में सेगे जमा में एक अलिफ लिखा जाता है ताकि जमा और गैर जमा में फ़र्क बयान करने के लिए। ये एक अदबी लफ्ज़ वो क्या कहते हैं सरफ मीर का की बहस अदबियात की बहस है, इसको रहने दीजिए। इतना जानिए कि क़ुरान में सेगे जमा के आखिर में अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जमा के सेगों के आखिर में एक अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ये मिसाल है। इसके लिए देखें सेगे जमा के आखिर में लिखा जाता है पढ़ा जाता। कितने हो गए? चार, सही है, चार। अच्छा उसके बाद एक ओ चार तो तीन चार और क्या है हमजे, हमजे है ना, हमजे वसल, एक हमजे हमजे कता हैं और एक हमजे हमजे वसल हैं। कता और वसल में कुछ फ़र्क है, उनमें से मेन फ़र्क ये है कि क़ुरान में जहाँ कहीं भी हमजे के ऊपर स्वाद लिखा जाए ना वो हमजे वसल कहलाएगा, हमजे के ऊपर छोटा सा हमजे लिखा जाए अलिफ के ऊपर वो हमजे क्या होगा, हमजे कता कहलाएगा। और हमजे कता गिरता नहीं है, इब्तिदा में भी आता है वसत में भी आता, जहाँ कहीं भी आ जाए गिरता नहीं। हमजे वसल इब्तिदा में नहीं आता है, हमजे वसल जब वसत में इब्तिदा में आता है वसत में आने की सूरत में हमजे वसल क्या होता है, गिर जाता है। मसलन देखें उसके लिए एक लफ्ज़ है मसलन इज़रिब, इज़रिब इज़ ये अलिफ है ना, ये अलिफ, ये अब आप जहन में रखें हमजे और अलिफ में दो तीन फ़र्क हैं, उस दिन आपके खिदमत में बयान हुए, उनमें से एक ये है कि अगर ऐसी जगह है जहाँ कहीं पर ये हमजा अलिफ जैसा लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर हरकत हो, ज़ेर ज़बर पेश लगे हुए हो, तो क्या कहेंगे हम, हमजे ही कहलाएगा, ये हमजे होगा, ये हमजे है, वाज हो गया, ये हमजे हैं, ये हमजे, इसको कहते हैं हमजे वसल। अगर इससे पहले कोई लफ्ज़ आ जाए ना ये हमजे वसल गिर जाता है। मसलन ये लफ्ज़ आ गया फ़ाद्रिब, देखिए ये फ़ा आ गया फ़ाद्रिब, फ़ा इज रिब नहीं होगा, फ़ाद्रिब होगा, ये अलिफ क्या होगा, गिर जाएगा, वाज़ह हो गया। बस पांचवा मकाम हमजे वसल वसत कलाम में, वसत कलाम से मुला कलाम के दरमियान है, गिर जाता है, ये पांचवा हमजे वसल वसत कलाम। वसत अरबी में कहते हैं दरमियान को, कलाम के दरमियान में बीच में आने की सूरत में गिर जाता है, ये वाज़ह हो गया। कितने हो गए? पांच। इसमें कोई मुश्किल है, किसी को किसी में समझ में नहीं आया हो ना बताइए। अच्छा उसके बाद छठा लफ्ज़ कौन सा है? अगर हमजे वसल से पहले हुरूब मद्दी आ जाएं तो ये हुरूब मद्दी तलफ़ुज नहीं होते हैं, हमजे वसल से पहले अगर हमजे वसल से पहले हुरूफ मद्दी आ जाएं तो ये हुरूफ मद्दी आ जाएं तो पढ़े नहीं जाते हैं, ख़त्म, पढ़े नहीं जाते। देखिए मिसाल उसके लिए आप बताएं, मिसाल मसलन देखें, देखें जुल आरशी, जुल देखें आल आरशी, आल ये हमजे वसल है या नहीं है, इब्तिदा में आया हुआ है या नहीं है, है या नहीं है, है कहो ना, आल आरशी है। देखें उससे पहले जू आया हुआ है, ये वाव है,
ये वाव क्या है, वाव है मद्दी है, लिहाजा ये वाव जब आप मिला कर पढ़ेंगे ना, ये वाव तलफुज नहीं होगा। बस अगर हमज़े वसल से पहले हुरूफ मद्दी आ जाएँ तो ये हुरूफ मद्दी तलफुज नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें बाद में आपको बता दूंगा क्यों तलफुज नहीं होते हैं, वो एक अलग से बहस है इंशा। जी जी दूल वाव नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अलिफ ये अल अर्श है ना, अल ये हमज़े हमज़े वसल है, इब्तिदा में आया हुआ है, हमज़े वसल हैं, तो जहाँ कहीं अलिफ लाम के साथ जो आता है ना इब्तिदा में, वो हमज़े हमज़े वसल कहलाता है। ये हमज़े वसल है, उससे पहले देखें वाव आया हुआ है, ये वाव हुरूफ है साकिन है मद्दी में से, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। बस क्या हुआ, अगर हमज़े वसल से पहले हुरूफ मद्दी आ जाएं तो पढ़े नहीं जाते हैं। मिसाल उसके लिए ज़ुल अर्शी फिल मदीना, देखिए फिल मदीना देखें या के लिए फी है ना, देखें फिल देखिए, हालांकि फिल मदीना में फी अल मदीना होता है ना, यहाँ पर चूंकि अलिफ से पहले या हुरूफ मद्दी आने की वजह से ये या नहीं पढ़ा गया है, क्या कहेंगे डायरेक्ट आप तलफ़ुज़ फरमाएंगे फिल मदीना, ये वाज़ह हो गया। अच्छा उसके बाद आखिरी लफ्ज आखिरी लफ्ज आखिरी मुरीद, बस वो हुरूफ जो लिखे जाते हैं पढ़े नहीं जाते, कुल कितने हैं सात, उनमें से तीन गुजर गए हैं, चौथा ये है, पांचवा हमज़े वसल वसत कलाम में आने की सूरत में गिर जाता है, छठा अगर हमज़े वसल से पहले हुरूफ मद्दी आ जाएं तो पढ़े नहीं जाते हैं, सातवा आखरीन मोरिज, अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मिटा दो, देखिए आखिरी मोरिज इसमें मुख्तसर सी तफसील हैं, ये तवज्जो फरमाएं। आखरीन मोरिद ये हैं कि देखें अल जहाँ कहीं भी अलिफ और लाम होते हैं ना, अलिफ लाम, अलिफ लाम में पहला वाला क्या होता है हमज़े वसल होता है, अल में अलिफ हमज़े वसल है, बस अल जहाँ कहीं भी अलिफ लाम आते हैं लाम के बाद हुरूफ तहजीज आते हैं ना, तो दो सूरतें हुआ करती है, या लाम के बाद हुरूफ तहजी में से हुरूफ शमसी आएंगे, या लाम के बाद हुरूफ कमरी आएंगे, तवज्जो ये, तो हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी कितने हैं चौदह है, हुरूफ कमरी कितने हैं चौदह है, अगर लाम के बाद हुरूफ कमरी आ जाएं तो ये लाम नहीं पढ़ा जाता है। अब देखिए अगर अलिफ लाम के बाद अलिफ लाम के बाद अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ हुरूफ शमसी है, शमसी आ जाए तो क्या होगा, लाम को नहीं पढ़ा जाता, देखिए दो सूरतें हैं, अलिफ लाम के बाद हुरूफ तहजी आ जाते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं, अब हुरूफ तहजी में से कुछ हुरूफ हुरूफ शमसी हैं और कुछ हुरूफ हुरूफ है कमरी है, तो अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी आ जाएं, शमसी आ जाएं, तो ये लाम को नहीं पढ़ा जाता है, मसलन मसलन उसके लिए खुद व शम्स देखें, वल शम्स नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ तो खैर इत्तिसाल की वजह से गिर गया ना,
वाव का मिलने के वजह से हमजे वसल गिर जाता है, उसको रहने दें। अब रहती है बात लाम पर, लाम क्या होगा, आया पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा? लाम नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि लाम के बाद हुरूफ शमसी आए हुए हैं, हो गया नहीं हो गया? हाँ, अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी आ जाए लाम पढ़ा जाएगा, जैसा शाबाश वल, देखिए मिसाल उसी के लिए वल कमर, वल कमर, ये कमर का हुरूफ कमरी में से है, हुरूफ कमरी देखें, हुरूफ कमरी, आजाबान, आजाबान की खाउफ़ोन खाउफ़ोन हकुन गामियन, देखिए किताब में भी ये हरूफ लिखे हुए हैं, आजाबान के खाउफ़ोन हकुन गामियन, देखें आइन जीम बा तीन अलिफ चार, हो गए नहीं हो गए? का पाँच हा छः छोटा हा, खा सात वाव आठ फा नौ, हा दस काफ ग्यारह, गैन बारह मीम तेरह या चौदह, बस हुरूफ कमरी कितने हैं? चौदह। इस लफ्ज में जमा है हुरूफ कमरी, देखिए आजबन कि खौफ़ुन हक़ुन गमियुन, ये हुरूफ हुरूफ है कमरी है, जैसा जजाकल्ला, ये हुरूफ कमरी है। बस सातवां मोरिद कौन सा हुआ? अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ा जाता है, मिसाल वशमसी। अगर हुरूफ कमरी आ जाए लाम पढ़ा जाता है। अच्छा, किसी किसने कहा वलहम्द, वलहम्दुलिल्लाह, वल कौन सा, ये कौन सा हुरूफ है? हा कौन किस हुरूफ में से है? किधर है कमरी में से बताओ मुझे। वल वल वलहम्दु की बात कर रहा हूँ, वलहम्दु अलिफ लाम के बाद हा है, ये हा हुरूफ है शमसी में से है या नहीं है? इधर देखें हुरूफ कमरी में से, हाँ जज़ाकल्लाह शाबाश, हुरूफ कम, हाँ हक़ुन में, हाँ सही है, हाँ क्या है वलहम में, ये हुरूफ है कमरी में से, लिहाजा लाम क्या हुआ है, पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया? जज़ाकल्लाह, बस हाँ अलहम्दु हुरूफ कमरी में से है, देखिए हक़ुन देखिए बक़िया हुरूफ शमसी, हाँ ये हुरूफ कमरी है चौदह, बक़िया हुरूफ शमसी हैं। वर्ड देखिए वर्ड उस वक़्त बने, अगर आपको समझ में नहीं आए, जब हुरूफ कमरी मुशख़्स है ना उसके लिए अल्फाज बने हैं, वर्ड बन गया। अब हुरूफ शमसी बक़िया हुरूफ शमसी हैं, इनके अलावा ये आप जहन में रखें, रखने के बाद इनके अलावा जो भी होंगे वो हुरूफ है कमरी में से होंगे, वो शमसी में से होंगे। हाँ हाँ जी जी, फजरिब इजरिब है असल में, फजरिब है, किसी लफ्ज़ अगर हमज़े वसल से पहले कोई लफ्ज़ आ जाए तो हमज़े वसल गिर जाता है, ये उसके लिए इजरिब है, फजरिब, ये इजरिब पढ़ा जाता है। अगर इजरिब से पहले फा अगर मिल गया फा तो ये साइलेंट हो जाएगा। सात हुआ, देखिए सात मोरिद मुकम्मल हो गए हैं, फजरिब, हाँ ये देखिए लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है, दर्स आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला कुछ और मतालिब हैं वो अगले दर्स में आपकी खिदमत में बयान करूँगा। अभी जो पाँच दस मिनट जो हमारे पास है उसमें आप क्या अलहम की तिलावत फरमाएँ, आखिरी तिलावत हैं, और अलहम में वो कवायद जो हमने आपको पढ़ाए हैं अव्वल से आखिर तक देखें,
एक बात आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ, यहाँ तक काफ़ी है, आज का दर्स मुकम्मल हुआ, अब ये प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। जो किताबें लिखी हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने हमारे, वहाँ पर देखें तो बिल्कुल मखलूत हैं, कौन सा कानून नाजरा का है, कौन सा कानून तजवीद का है, पता नहीं चलता है। अब तक जो मैंने पढ़ाए हैं ये तमाम कवायद नाजरा के हैं, तजवीद के नहीं है, सिवाय वो हरूफ इतबाक और तलफ़ हरूफ के कुछ जो मैंने बता दिए हैं मखारिज हरूफ, वो तजवीदी बहस है। बाकी सारे जो आभास मैंने पढ़ाए हैं सारे नाजरे के आभास है, नाजरा आपका क्लियर मुकम्मल हुआ। और जबकि ये तकरीबन एक महीने का दर्स है, वाज हुआ, तदबीर के साथ प्रैक्टिकल के साथ एक महीने का दर्स है, पांच क्लासों में। इंशाल्लाह कुछ और मतालिब हैं, अगली क्लास में आपकी खिदमत में बयां करूँगा। तो बाकी असल मतालिब मुकम्मल हुए, उनमें से एक और मतलब, मसलन चार ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर स्वाद के ऊपर एक सीन भी लिखा हुआ है, किताबों में चार हैं जबकि चार नहीं है, पांच है। किस तरह से सिरात भी है, देखिए किताबों में किस तरह से लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है मसलन याबसुतु एक, बस्ता दो, खुदा आपको बला करें, मुसैतिरून तीन, मैं बाद में लिखवाऊंगा अगली क्लास में, फ़कत इशारा कर रहा हूँ, मुसैतिर चार। उसके बाद किताबों में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि पहले जो दो अल्फाज हैं ना उसमें आप सीन के साथ तलफ़ुज़ करें, दूसरे दो अल्फाज में स्वाद के साथ तलफ़ुज़ करें, पहले उसमें सीन के साथ जायज़ नहीं है, यानी स्वाद के साथ जायज़ नहीं, क्यों नहीं है, जब नहीं है तो ऊपर स्वाद क्यों लिखा हुआ है, सीन क्यों लिखा हुआ है। देखिए एक माकूल बात है, जब नहीं है तो क्या पागलपनी है, क्यों लिखा हुआ है सीन, सीन का माना ये कि दोनों जायज़ है, हाँ बेहतर सही है, मतलब दो अल्फाज में सीन के साथ तलफ़ुज़ करना बेहतर है, बात वाले दो अल्फाज में स्वाद के साथ तलफ़ुज़ करना क्या है बेहतर है, मैं इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में तफसील दूंगा। उनमें से एक और हैं जो किताबों में नहीं लिखा हुआ है, क्या है वो, सिरात, सिरात के ऊपर देखिए एक छोटा सा सीन है या नहीं है, सीन है ना, क्या मतलब, सिरात भी पढ़ सकती हैं आप, सिरात भी स्वाद के साथ भी सीन के साथ दोनों तलफ़ुज़ जायज़ है, जबकि यहाँ पर रवायात के मुताबिक जहाँ तक मैंने तहकीक करी है उस हिसाब से रवायात में सीन के साथ ज़्यादा बेहतर है स्वाद से। हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्ला अहमद मददी इस हवाले से गुफ्तगू हो गई डिस्कस, तो उन्होंने भी फरमाया कि रवायात में सीन के बारे में ज़्यादा ताकीद किया गया है स्वाद के निस्बत से, ये वाज़ हो गया। देखिए कुछ मतालिब हैं इंशाअल्लाह ताला वो अगली क्लास में, अभी अलहम की तिलावत शुरू फरमाएं, मतालिब मुकम्मल हो गए हैं, अभी ये इन कलिमात के हवाले से बात होगी। उसके बाद एक और हैं कि कुरान में सात कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिब लिखा हुआ है, अक्सर बेशतर इश्तबा कर जाते हैं, यहाँ पर मकाम इत्तिसाल में अलिब नहीं पढ़ा जाता है, मकाम तवक्कुफ़ में अलिब पढ़ा जाता है। उनमें से एक अना लिखा हुआ, देखिए कुरान में अना लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, जबकि अलिब की वजह से क्या पढ़ते हैं, अना लजी पढ़ते हैं, अना रब्बुकुमुल, सूरह नाज़ियात में अना रब्बुकुमुल आला पढ़ते हैं, है या नहीं है, जबकि अना नहीं है, अना रब्बुकुमुल आला, वो इंशाअल्लाह सात कलिमात भी अगले उसमें। उसके बाद सख्त मकाम सख्त है, एक वक़ुफ़ है और एक सख्त है, चार मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सख्त किया जाता है, सख्त और वक़्फ़ में क्या है वो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में, ये चार पांच मतालिब हैं वो अगली क्लास में, और उसके बाद अव्वल से आखिर तक मुख्तसर सा खुलासा भी इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोगों की खिदमत में बयां करूँगा। अभी तलफ़ुज़ फरमाएँ, आप यहाँ से शुरू करें, अलहम देखें वो जिस पे काम हुआ है उसमें गलती नहीं करनी चाहिए, हरकत वक़ूफ़ वगैरह में गलती नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह तिलावत फरमाएं, देखें हा का तलफ़ुज़ बिल्कुल सही से अदा करें, अर्रहमान अर्रहीम, हा छोटा हा और बड़ा हा में कोई फ़र्क नहीं हुआ, पढ़ें दोबारा, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु नहीं, अगर हम लोग हमारा अकीदा क्या है, देखिए फिर बात से बात निकलती है, बिस्मिल्लाह आया जुज़ आया है या जुज़ सूरह है या
नहीं है, इसमें गवाह है। हमारा अकीदा है कि तमाम सूर में जुज़ क्या है, सूरा है, सूरा का जुज़ है। और हमारे बाज़ बरादरान कहते हैं नहीं है सूरा का जुज़ नहीं समझते हैं, अलहम में बाज़ लोग सूरा का जुज़ समझते हैं, बाज़ लोग नहीं समझते हैं। इस तरह खुलासे के इख्तलाफात है, ये उलूम कुरान में इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे। लिहाजा आप इस इनवान से अगर आप मिला के पढ़ना चाहेंगे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह पढ़ें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गलत है। वाज़ह हो गया, पढ़ें अभी दोबारा। देखिए हा का सही तलफ़ुज़ नहीं हुआ, पढ़ें बेटा आप। देखिए हा सही रहीम में फिर हा नहीं हुआ, यानी ये है कि यक नवाक अगर इधर हा सही अदा हो रहा है तो अगले वाले लफ्ज़ में भी हा सही अदा होना चाहिए, कभी सही कभी नहीं सही, सही नहीं है। पढ़ें देखिए रहीम हीम हीम क्या हीम, हा सही हीम, देखिए देखिए हीम सांस चढ़ता है ना, हीम पढ़ें। आइन भी सही, हम में हा भी सही, अभी आ गए। अब रहमान नहीं है क्या, सुभान अल्लाह। की रहने दे, की को देखिए मालिकी गलत है, मालिकी है, पढ़ें। देखिए आइन का तलफ़ुज़ हा का तलफ़ुज़ आपका बेहतर है, सिवा ये है कि हर जगह में अदा नहीं होता है ये हाँ। अगर अलहम में सही अदा हुआ है तो अर्रहमानिर्रहीम में भी सही अदा होना चाहिए, सही निकल रहा, लेकिन इसको हमेशा हर जगह में अदा करने की कोशिश करें। पढ़ें बेटा आप। नहीं आलमीन, देखिए रहीम मिद नहीं मिद्दीन, देखिए ऐन हरकत अच्छे हुए हैं, बाकी हा भी बेहतर हैं, इनकी वही हैं। कभी कभी हा का मखरज सही अदा नहीं होता है, हर जगह में अदा करें, सही से पढ़ें। अब देखिए रहमान में सही अदा हुआ, निर्रहीम हीम नहीं है, हीम पढ़ें। हाँ थोड़ा सा देखिए रहीम में थोड़ा सही सा अदा, हाँ सही अदा हो रहा, सिवाय ये बेचारा इस लफ्ज़ रहीम में पता नहीं क्या हो रहा, वहाँ आके थोड़ा सा कम अदा होता है। हाँ हीम, हाँ हमारा गला कैसे नहीं थकता है, पढ़ें। नहीं आप बस ये देखें हाँ और आइन का मखरज देख रहा हूँ मैं। अच्छा आपको अलहम याद नहीं है क्या, तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, देखे बग़ैर पढ़ें ताकि ये नमाज में मसला ना हो। देखिए जल्दी से नहीं, आलमीन नहीं, आलमीन अलिफ है ना। देखिए हीम हीम थोड़ा सा, नाबुदू ने देखें नाबुदू एक सानियन को ये सुने ना कि ये इन्होंने अलग पढ़ लिया और मौलाना साहब खामोश रहें, ये हमारी तौहीन है। आले नहीं कहें आल है, कलकला दुनिया में पांच रूप में होता है, उसके अलावा कलकला नहीं होता है। तजवीद में इंशाअल्लाह ताला आएंगे आप तो वहाँ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आल नहीं है क्या है, आल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन आइन का मखरज पढ़ें। अम्मा देखिए जल्दी नहीं, इस तरह नहीं, आहिस्ता से मखाली, हाँ वैसे दोबारा पढ़ें।
रहने अर रहमा पढ़े, रहने रहमा निर्रहीम, देखिए रहीम ने होता है, रहीम छोटा है, रहीम बड़ा है, एक मरतबा छोटा है, कहीं भी आवाज़ नहीं टकराती है, डायरेक्ट निकलती है, देखें हादी हुसैन हा हा हा, एक मरतबा छोटा नहीं है, आवाज़ टकराती है बीच में, तारहा ये सोती कहते हैं, वो रगें जो आवाज़ की होती है ना अलग सी हैं, उनमें बीच में आकर टकराती हैं, देखें हा हा, इसी को देखें बीच में हा हा, रहीम रहीम, इस तरह करते जाएं ताकि आपका बेचारा हा सही से अदा हो। बेचारा वो तो बेचारा कर दिया ना आप लोगों ने, क्या पढ़े बस हाँ में काम करें, हाँ नहीं हो रहा, हाँ में काम, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमान अर्रहीम हीम 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 पढ़ें, देखिए रहीम में फिर इसका मादा हुआ, अर्रहमा पढ़े निर्रहीम, हीम नहीं हीम, हाँ ये हीम में आइन में भी जब कसरा हरकत आती है ना कसरा वाली, तो उसमें भी अक्सर बेशतर मार खाते हैं, अक्सर बेशतर सही तलफ़ुज़ नहीं करते हैं, अम्मा आइन उसके अलावा पेश और ज़बर में सही, अम्मा आइन में कसरा के सूरत में सही अदा नहीं कर पाते हैं। पढ़ें अभी आप पढ़ें, देखिए निर्रहीम हीम हीम नहीं हीम, हाँ अब देखिए अलहम में सही अदा हुआ, आलमीन में आइन सही अदा हुआ, आगे बस 60-70% सही है, पढ़ें देखिए थोड़ा सा निर्रहीम निर्रहीम, लेकिन अदायगी बहुत अच्छा है, पढ़ें आप पढ़ें, चले पढ़ें रहीम, हाँ जज़ाकअल्लाह पढ़ें, देखिए ये आप हैं ना जो बच्चियाँ हैं आपका तलफ़ुज़ इनके नस्बत से है, ये आपके माओं के जगह में हैं, इनके नस्बत के से आपका तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, लेकिन ये देखें आप आपसे ये ज़्यादा तेज़ से ज़्यादा बेहतर है इनका तलफ़ुज़, ये सही नहीं है, हाँ आप लोग मेहनत करें, इंकलाब लाएँ अंचोली में, पढ़ें जज़ाकअल्लाह पढ़ें, देखिए निर्रहीम ने निर्रहीम डायरेक्ट शॉट तवक्कुफ नहीं होना चाहिए, आगे निर्रहीम हीम, हाँ बाकी हाँ का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, सिवाय हीम में कम सही से अदा वाज़े नहीं होता है, पढ़ें आप फिर बुदू हो गया ना जनाब, दू नहीं है ना हरकात में सही से, देखें हाँ ये इसका असर कुरान जब आप इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा ना कुरान, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, हरकत अगर आपकी नाजरे में सही हो गई वाकुफ हरकत बिलखसूस बिलखसूस हरकत हरकत हरकत, अगर हरकत सही हो गई तिलावत करते वक्त आप ही को लुत्फ आएगा मज़ा आएगा, वल्ला अगर हरकत सही हो नहीं हो गई ना फिर उधर भी आके अम्मा यतसा अलून अनिन निबाइल इस तरह से
फिर ना आपको मज़ा आएगा ना पढ़ाने वाले को मज़ा आएगा, कुछ गड़बड़ होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है, गुजारिश गुजारिश कि हरकात में काम करें, इसी पर इक्तिफा न करें, घर जाएं, जाने के बाद तलफ़ हद अकल अलहम का तलफ़ अरहम अलहम की क़रात सुने। मैं शायद पहले भी बताया है मैंने, हसरी कारी हसरी तहकीक तरतील नहीं, क्या तहकीक। देखिए एक मरतबा ये है कि हाँ तहकीक नहीं है, उस दिन भी आपके खिदमत में बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह से तेज़ी से पढ़ते हैं, एक तहकीक है तरतील है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तरह है, एक मरतबा तहकीक है बिल्कुल आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता से तहकीक में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अल्फाज की अदायगी, हरकात की अदायगी और सही तलफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से, चूँकि आहिस्ता से पढ़ता है, आहिस्ता से बिल्कुल पढ़ता है, तलफ़ को वाज़े करते हुए, हरकात को वाज़े करते हुए दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा कम से कम 10-15 मरतबा अलहम को सुना करें। देखें जब इम्तिहान भी होता है ना, पेपर के अलावा हम अक्सर बेशतर, मैं जहाँ कहीं भी इम्तिहान लेने जाता हूँ, मैं नहीं पूछता हूँ कवायद, हा कहाँ से निकलता है, आयन कहाँ से निकलता है, अच्छा यहाँ क्या होगा, सीन पढ़ नहीं, मैं फ़क़त इबारत पूछता हूँ। अगर इबारत में मखारिज सही हैं, कवायद सही हैं, तो पूरे कवायद भूल भी जाएँ फुल नंबर देते हैं हम, 100/100 वाज़ हो गया। अम्मा किसी खाहर को बरदर को पूरा हिफ्ज़ है, मसला नहीं है, तमाम कवायद अव्वल से आखिर तक हिफ्ज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल में कमज़ोर हैं, तो उसको फिर नंबर नहीं देते हैं, जितना भी हिफ्ज़ हो फ़ायदा नहीं है ना। कवायद क्या फ़ायदा, कवायद उस वक़्त फ़ायदा है, आप इनको फॉलो करें कुरान में। आखिर में दुआ है परवरदिगार आलम हमें हमारे क़ुलूब में नूर कुरान और नूर अहले बैत से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदि व आलिहि ताहिरीन।